हेलो डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टर्लिंग साइकिल। दिस साइकिल वॉज डिवाइस बाय स्टर्लिंग। स्टर्लिंग साइकिल इज अ थर्मोडाइनमिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल एंड टू आइसोक्लोरिक प्रोसेस। फिगर शोज द स्टर्लिंग साइकिल ऑन PV डायग्राम एंड सेकेंड फिगर शोज द स्टर्लिंग साइकिल ऑन TS डायग्राम। नाउ देयर आर द फोर प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1, वेयर 1 to 2 प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस एंड 3 to 4 प्रोसेस इज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस। वी सी दैट V1 इक्वल टू V4 एंड V2 इक्वल टू V4। नाउ वी सी द फोर स्टेजेस वन बाय वन। द फर्स्ट स्टेज 1 to 2, द एयर एक्सपांस आइसोथर्मली एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1 एंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2। इट मीन्स दैट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू टेम्परेचर T1। देन हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपांशन। Q12 इक्वल टू P1 V1 लॉग टू द बेस E V2 अपॉन V1, वेयर P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ P1 V1 MRT1 लॉग टू द बेस E V2 अपॉन V1। बाय सिंप्लीफाइंग दिस 2.3 MRT1 लॉग गैमा, वेयर V2 अपॉन V1 इज द एक्सपांशन रेशियो, सो वी डिनोट इट एज गैमा। देन सेकंड प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कूलिंग, द एयर नाउ पासेस थ्रू द रीजनरेटर एंड इट इज कूल्डेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू टेम्परेचर T3। हीट रिजेक्टेड Q2 to 3 इक्वल टू MCV T2 minus T3। द थर्ड स्टेज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, द एयर इज नाउ कॉम्प्रेसर आइसोथर्मली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T3 एंड फ्रॉम वॉल्यूम V3 to V4। द हीट रिजेक्टेड बाय द एयर Q3 4 इक्वल टू P3 V3 log to the base E V3 upon V1. P3 V3 is your MRT3 and V3 upon V4 is your compression ratio, so it is denoted in gamma. MRT3 log to the base 3 log to the base E V3 upon V4. Therefore, by simplifying this, 2.3 MRT3 log to the log gamma. Now the fourth process, constant volume heating. The air is heated at constant volume to temperature T1 by passing it to the regenerator. The heat absorbed by air Q4 to 1, heat taken from generator. MCP T1 minus T4, T3 equal to T4, therefore MCP T1 minus T4. Now, work done equal to heat supplied minus heat rejected. 2.3 MRT1 log gamma minus 2.3 MRT3 log gamma equal to 2.3 MR log gamma T1 minus T3. Therefore, efficiency N equal to work done upon heat supplied. Work done 2.3 R log gamma T1 minus T3 upon 2.3 MT1 log gamma. By simplifying this, we get T1 minus T3 upon T1. Therefore, efficiency of Stirling cycle equal to 1 minus T3 upon T1.